कोरोना काल से उभरती दुनिया के लिए रूस यूक्रेन युद्ध एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। युद्ध असल में दुनिया के सबसे बड़े दो कृषि उत्पादक देशों के बीच है। जिसका असर दुनिया भर की अनाज मंडियों और वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर पड़ रहा है। रशियन फेडरेशन और यूक्रेन ने साल 2021 में वैश्विक बाजार में लगभग 30% गेहूं का निर्यात किया था। दुनिया में तमाम ऐसे देश हैं जो गेहूं आयात के लिए इन दोनों देशों पर निर्भर हैं। इसके अलावा इस युद्ध ने व्यापार, उत्पादन और वस्तुओं की खपत के वैश्विक पैटर्न को इस तरह से बदल दिया है कि 2024 के अंत तक कीमतों के उच्च स्तर पर बने रहने की आशंका है। इससे गरीबी, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को बढ़ावा मिल सकता है। We were affected to purchase commodities in Ukraine and as a result not able to supply as needed. Additionally, many countries used to purchase from Ukraine and Russia. And that supply chain was disrupted. And side by side, the price of commodity went up very high. आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हालात जल्द न बदले तो वैश्विक खाद्य संकट एक सच्चाई बन सकता है। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के बाद से भूख की मार झेल रहे लोगों की संख्या लगातार बड़ी है। 19 देशों में युद्ध के बाद से हैंगर स्पॉट्स बढ़े हैं, जहां अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच हालात बदतर हो सकते हैं। ये हैंगर स्पॉट्स अफगानिस्तान, इथोपिया, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान, सोमालिया और यमन जैसे देशों में हैं। इन देशों में बड़ी आबादी कुपोषण और भुखमरी से प्रभावित है। These past years have presented us with many complex food security challenges. We have had 3 years of a pandemic on the top of the economic downturns, conflicts and war, the climate crisis, interrupted international supply chains, increased inequalities, and rising food prices, among others. All confirming how interconnected our economies and lives are. Rising food prices affect all of us, but the impact are felt the most by the vulnerable and by the countries already experiencing a food crisis. इस बरस 16 अक्टूबर को World Food Day, Leave No One Behind की थीम के साथ मनाया जा रहा है। Let's build a world with more and good quality food for all. Leave no one behind. 1979 में खाद्य और कृषि संगठन FAO के 20वें महासम्मेलन में प्रस्तावित हुआ वर्ल्ड फूड डे दुनिया से भुखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। साल 2022 का वर्ल्ड फूड डे मनाती पूरी दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन, महामारी, संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और बढ़ती कीमतें जैसी कई चुनौतियां हैं।
यूएन रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में दुनिया में भूख की मार झेल रहे लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय है। फिलहाल आंकड़ों की बात करें तो दुनिया भर में लगभग 82 करोड़ से ज्यादा लोग रोज भूखे सोते हैं। साल 2020 में ये अनुपात अचानक बढ़ा। साल 2021 में ये दुनिया की आबादी का 9.8% हो चुका है। साल 2019 में ये 8%, 2020 में 9.3% था। साल 2021 में खाद्य असुरक्षा से महिलाएं ज्यादा प्रभावित रहीं। 5 साल से छोटे बच्चे कुपोषण के सबसे घातक रूप वेस्टिंग से पीड़ित थे। इसी आयु वर्ग के 15 करोड़ बच्चे पोषक तत्वों की कमी वाले आहार के कारण बुरी तरह प्रभावित रहे। दुनिया भर में भूखमरी को मिटाने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व खाद्य कार्यक्रम लगातार काम कर रहा है। एफएओ और यूएनजीए द्वारा 1961 में स्थापित विश्व खाद्य कार्यक्रम एक ऐसा संगठन है जो 120 से अधिक देशों में संघर्ष से विस्थापित और प्राकृतिक आपदाओं से निराश्रित लोगों के लिए जीवन रक्षक खाद्य सामग्री मुहैया कराने के काम में जुटा हुआ है। इन देशों में अन्य जगहों की तुलना में जनता के 3 गुना कुपोषित होने की आशंका होती है। फिलहाल WFP ने साल 2021 में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाद्य सामग्री के साथ आर्थिक मदद पहुंचाई। साथ ही पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पौष्टिक भोजन, स्कूली नाश्ता या घर ले जाने का राशन मुहैया कराने का काम किया है। 2022 से 2025 के लिए WFP की रणनीतिक योजना में सतत विकास के लिए 2030 का विजन अंतर्निहित है। इसमें सतत विकास लक्ष्य 2 जीरो हंगर के तहत दुनिया में खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को समाप्त करना शामिल है। WFP को भूखमरी की स्थिति से निपटने के लिए अपने अथक प्रयासों के लिए साल 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Program for its efforts to combat hunger. बीते 3 साल में WFP की राह में जहां कोविड एक बड़ा अवरोध बनकर सामने आया है, वहीं जलवायु परिवर्तन और रूस यूक्रेन तनाव ने इस परेशानी को कई गुना बढ़ाने का काम किया है। अभी इतना चैलेंज हो रहा है भूखमरी के हिसाब से, जो ये यूक्रेन के जो वार हुए हैं और कई जगह पर कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, हो रहे हैं, और ये अनाज की जो मोल प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, और इसके साथ साथ ये क्लाइमेट चेंज के असर बहुत बढ़ रहे हैं संसार भर। इस हिसाब से जो पहले जितने आदमी थे जिसमें जिनके लिए अच्छा खाना नहीं मिलता, वो करीबन डबल हो चुके हैं। पिछले 3 सालों में कोविड महामारी, जलवायु परिवर्तन के साथ रूस यूक्रेन तनाव ने भी भारत में कुपोषण और भूखमरी को बढ़ाया है। हाल ही में आयोजित हुए शंघाई सहयोग संगठन SCO के सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात स्पष्ट की कि ये समय युद्ध का नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय विश्व के लिए खाद्य, उर्वरक और ईंधन से जुड़े मामले सबसे अहम हैं।
वहीं साल 2023 भारत के लिए G20 की अध्यक्षता वर्ष होगा। ऐसे में भारत जिन मुद्दों को लेकर सभी देशों को एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करेगा, उसमें खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सबसे अहम होगा। वहीं खाद्यान्नों की कमी को लेकर भारत बेहद गंभीर है और उसने नए विकल्पों में बाजरा, रागी और ज्वार को चिन्हित किया है। बीते कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत भारतीय खाद्यान्न की शक्ति को दुनिया के सामने रखने की लगातार कोशिश की गई है। इसी के तहत भारत ने संयुक्त राष्ट्र को साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे 72 देशों का समर्थन मिला था। ये भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी वैश्विक उपलब्धि है। साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने को तैयार भारत सरकार का उद्देश्य बाजरा के प्रति जागरूकता पैदा कर उसे विश्व स्तर पर स्वीकृति दिलाना है। इससे छोटे किसानों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। You know, millet is a super food. It is high in nutritive value. So in the challenging context of malnutrition, it's a right choice. Millet is also a resilient crop, a traditional crop, which needs less water. In the context of climate change shortage of rainfall, millet grows more easily, and therefore it's a choice crop to promote. हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में इंडिया से लास्ट ईयर 30,000 टन्स मिलेट ये जो बोलते हैं बाजरा सोरगम खरीद गए थे। इंडिया के जो ये जो एफर्ट्स हैं इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड। हमारी जो फूड मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस है उसमें एक अहम मुद्दा है कि पूरे देश में हर राज्य में हम मिलेट्स के कंजम्पशन को बढ़ाएं और इस बार करीब करीब हम 14 लाख मीट्रिक टन मिलेट्स का जो है प्रोक्योरमेंट करने का हमारा टारगेट है, जो हाईएस्ट एवर होगा। इसके साथ ही देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फूड ग्रेन एटीम, राइस फोर्टिफिकेशन, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी कई योजनाओं से बेहतर संभावनाओं की उम्मीद है। WFP ने चार जगहों पर, चार राज्यों में, एक हमारे इनिशिएटिव के साथ मिलके, जिसमें हमने IIT दिल्ली के साथ मिलके काम किया, उन्होंने एक ग्रेन ATM का ट्रायल शुरू किया है, जिसको हमने अन्नपूर्ति कहा है। जैसे ATM पे जाते हैं, कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, बायोमेट्रिक ड्रिवेन होगा, आप अपना थंब इम्प्रेशन दीजिए या अपना राशन कार्ड नंबर भरिए और आपको उस मशीन से आपकी एंटाइटलमेंट के हिसाब से राशन मिल जाएगा। बाढ़ के दौरान हमने ये देखा कि जिन राज्यों में हाल में बाढ़ आई थी और पॉपुलेशन वहां से डिस्प्लेस हुई थी, वहां पर वन नेशन वन राशन कार्ड ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। वहीं कोविड काल की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश की जनता को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने में कारगर साबित हुई है। इस योजना की अवधि को हाल ही में दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना के सातवें चरण में पहले की ही तरह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त देना जारी रहेगा। कोविड के पीरियड में खास तौर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो फ्री में करीब 81 करोड़ लोगों को पूरे देश के अलग अलग राज्यों में राशन पहुंचा करके दिया गया और अभी इस योजना को दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। इससे जो फूड से रिलेटेड खास तौर से फेस्टिव सीजन में लोगों को बहुत रिलीफ मिला है। इस इंटरवेंशन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें भारत सरकार ने जो फूड सब्सिडी इन 2 साल में दी है वो करीब करीब $100 बिलियन के बराबर की फूड सब्सिडी दी गई है। और इसी पीरियड में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था, वो शुरू किया राइस फोर्टिफिकेशन का, क्योंकि जो मॉल न्यूट्रिशन के खिलाफ लड़ाई है
उसको तेज करने के लिए एक ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इस समय हम उसके दूसरे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें भारत के सभी एस्पिरेशनल और हैवी वर्डन डिस्ट्रिक्ट्स और ICDS और PM पोषण प्रोग्राम को कवर किया जा रहा है। वहीं बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में पोषण अभियान, ईट राइट इंडिया मूवमेंट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाएं भी अहम भूमिका निभा रही हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए किसानों की स्थिति और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। साल 2030 तक पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भूख को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के 17 सतत विकास लक्ष्यों में से दूसरा लक्ष्य जीरो हंगर को लक्षित करना है। हम एजेंडा 2030 से केवल 8 साल दूर हैं और तमाम चुनौतियां भी हैं। कोविड महामारी, जलवायु परिवर्तन के साथ रूस यूक्रेन तनाव ने भी कुपोषण और भुखमरी को बढ़ाया है। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण व्यापार, उत्पादन और वस्तुओं की खपत के वैश्विक पैटर्न में बदलाव आया है और बढ़ती कीमतों के चलते विश्व खाद्य कार्यक्रम को चलाने का खर्च भी अब काफी हो चुका है, जिसमें साल 2019 के औसत से 73.6 मिलियन $ का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। युद्ध के बाद से कई देशों द्वारा लगाए गए खाद्य व्यापार प्रतिबंधों की बढ़ती संख्या से भी हालात बिगड़े हैं। साल 2030 तक जीरो हंगर हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर कृषि व्यवस्थाओं और प्रणालियों को सशक्त करना होगा। इसके अलावा स्थानीय चीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ कृषि के लिए नए निवेश, तकनीकी अनुसंधान और नवाचार की जरूरत है, जिसे किफायती, पौष्टिक, स्वस्थ आहार सभी के लिए उपलब्ध कराया जा सके।